डेट 7 तारीख है और आज से कुछ 3 महीने पहले मतलब जनवरी में हमने यहीं पे डायरेक्ट सेलिंग के लॉज आने के बाद एक खास मीटिंग का आयोजन किया था। ऐसे ही हम सब लोग बैठे थे और हमने वहां पे डिटेल में इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा नेटसर्फ का इसके बारे में जानकारी ली थी। और तब जैसे विशाल ने राइटली पॉइंट आउट किया, ये जो स्क्रीन था वो था नेटसर्फ रीलोडिंग। तो रीलोडिंग मतलब क्या, हम हमारा सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर रहे थे। तो सॉफ्टवेयर अपग्रेड होने के बाद एक दो पॉइंट्स ऐसे आते हैं जिसको कहा जाता है बग फिक्सिंग। क्या कहा जाता है? तो आज हम बग फिक्सिंग भी करने वाले हैं, क्योंकि अपग्रेड होने के बाद क्या होता है, कोई भी सॉफ्टवेयर जब अपग्रेड होता है, अपग्रेड होने के बाद समझ में आता है अरे ये दो चीजें जरा थोड़ी बग रह गया है, ये अगर बग फिक्स कर दो तो इट इज फुल्ली लोडेड। तो आज ये अपग्रेड का अपडेट भी आएगा, अपग्रेड का अपडेट, बग फिक्सिंग भी होगा मतलब। एंड क्योंकि ये एमसीएम मीटिंग है तो नए साल का पाथफाइंडर भी आज यहां पे लॉन्च होगा। तो ये आज का दिन भर का सेशन हम 3 पार्ट में लेंगे। मैं पूरी तरह से प्रिपेयर होके आया हूं, आई एम श्योर आप भी 100% प्रिपेयर है। Yes! तो ये 3 पार्ट में हम डिटेल में स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो अपडेटिंग का पार्ट है वो हम लेंगे, मतलब लॉग हो गए उसके बाद क्या हुआ और जो भी एक दो बग्स है उसको फिक्स कैसे करना है, राइट। उसके बाद लंच ब्रेक होगा, लंच ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे पाथफाइंडर लॉन्च करने के लिए। Q1 पाथफाइंडर विल बी लॉन्च विथ वेरियस न्यू एवेन्यूज। क्या क्या नया आएगा आज आपको लंच के बाद 100% पता चलेगा। उसके बाद एक छोटा सा टी ब्रेक होगा, राइट, और फिर वापस हम आएंगे और एक नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। क्लियर? Yes. तो आज दिन भर मैं हूं और आप हैं। मैं थकने वाला नहीं, 6 घंटा 8 घंटा जो भी लगे मैं इधर ही हूं। क्या आप लोग रेडी हो? Yes! पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ, क्योंकि yes! आप एमसीएम हो, एक बार आपने चीजें समझ ली तो नीचे इंप्लीमेंटेशन विल बी मच इजियर, राइट। यस, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन की, नेटसर्फ नेटवर्क रीलोडेड। देखो हम सब लोग नेटसर्फ में आए हैं करियर करने के लिए। नेटसर्फ ने हमेशा ही नेटसर्फ नेटवर्क को एज अ करियर ऑप्शन प्रोजेक्ट किया है और पिछले 21 साल से हमें गर्व है कि हमने बहुत सारे डायरेक्ट सेलर आज यहां पे है जिन्होंने फुल टाइम नेटसर्फ के नेटवर्क के माध्यम से ही अपना करियर बिल्ड कर किया है और वो बिल्ड करते जा रहे हैं। Am I right? Yes. शायद ही कोई ऐसी कंपनी है जो पिछले 21 साल से लगातार ग्रोथ करते हुए आगे जा रही है। Yes, या नो? Yes. तो आप बोलोगे सर ये तो मार्च एंड अपना बराबर है ना, फैक्ट को समझना जरूरी है। तो ये चिंता मत करो कि एक आध साइकिल या एक आध क्वार्टर डाउन गया, वो होते रहता है, बिजनेस है। हमने कभी भी आज तक नेटवर्क में टर्नओवर के बारे में सोचा, हमने सोचा क्या है हमारे डायरेक्ट सेलर के बारे में, इज माय डायरेक्ट सेलर हैप्पी? तो शायद इसका आंसर आज
हाँ करके नहीं आ रहा है मुझे पता है। वाह वाह, अरे बराबर है ना। क्यों? क्योंकि मन में बहुत सारे किंतु, परंतु, इफ, बट, लेकिन, अगर ऐसे है कि नहीं है? यस, हमें पता है। तो टर्नर छोड़ो, सबसे पहले हम हमारे करियर की बात करते हैं। क्योंकि अगर मुझे ये कॉन्फिडेंस है, हमें ये कॉन्फिडेंस है, अगर हमने डायरेक्ट सेलर का करियर यहां पे सिक्योर कर दिया तो वो टर्नओवर तो आना ही है, बिकॉज टर्नओवर इज ऑलवेज बाय प्रोडक्ट। तो शुरुआत करते हैं डायरेक्ट सेलिंग लॉज से। सो डायरेक्ट सेलिंग के लॉज आए, रूल्स आए, और नेटसर्फ ने ये सक्सेसफुली इंप्लीमेंट भी कर दिए। कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। आपके सपोर्ट के माध्यम से नेटसर्फ ये शायद भारत की चुनिंदा कंपनियों में से या एकमात्र भी बोल सकते हैं जिन्होंने ये 100% लॉ को फॉलो करके उसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट भी कर दिया है। तो अगर आप हमारे वेबसाइट पे जाओगे, थोड़ा मैं ऑनलाइन जाना चाहूंगा, अगर आप हमारे वेबसाइट पे जाओगे तो ये अपना वेबसाइट है netsurfnetwork.com, यहां पे नीचे जाओ, यहां पे कंप्लायंस करके एक ऑप्शन आया है। बहुत लोगों ने देखा रहेगा, नहीं देखा रहेगा मुझे पता नहीं, नहीं देखा रहेगा तो आराम से देख लो। कंप्लायंस में आप जाते हो तो ये कंप्लायंस हमारा जितना भी है यहां पे है। ये CS सर्टिफिकेट जो गवर्नमेंट ने बोला था कि CS ऑडिट होना जरूरी है, तो ये हमारा CS ऑडिट हो चुका है और हमारे CS ने ऑडिट करके हमारी कंपनी रेगुलेशन के हिसाब से परफेक्टली जा रही है, ऐसा सर्टिफिकेट भी दे दिया। दूसरा, गवर्नमेंट ने बोला था हमें सेल्फ डिक्लेरेशन देना है कि वी आर नॉट डूइंग मनी सर्कुलेशन एंड पिरामिडिंग। तो मनी सर्कुलेशन पिरामिडिंग के साथ साथ हम बहुत सारी चीजें नहीं कर रहे, उसका डिटेल में हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर सुजीत जैन द्वारा दिया हुआ ये अंडरटेकिंग, ये भी आप आपके फाइल में रख सकते हो, कभी भी डाउनलोड कर देना। इसके बाद हमारे पॉलिसीज जितने भी है, हमारे रिफंड पॉलिसी क्या है, हमारी कैंसिलेशन पॉलिसी क्या है, हमारी डिलीवरी पॉलिसी क्या है, मोड ऑफ पेमेंट पॉलिसी क्या है, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म पॉलिसी क्या है, एक्सचेंज वारंटी पॉलिसी क्या है, प्राइसिंग पॉलिसी क्या है, ये भी सब कुछ अभी अपलोडेड है, ओपन टू ऑल। हमारी जितने भी पैकेजिंग पॉलिसी है लीगल मेट्रोलॉजी के हिसाब से, वो भी ट्रांसपेरेंटली ओपन टू ऑल ओपन की दी है। इनएक्टिव डायरेक्ट सेलर्स की लिस्ट एज ऑन फेब 2 है, जैसे ही मार्च का साइकिल खत्म हो जाएगा, शायद अभी भी चल रहा है, तो ये मार्च सेकंड साइकिल 2 तक की इनएक्टिव डायरेक्ट सेलर की लिस्ट यहां पे आप देख सकते हो कि फेब्रुअरी साइकिल 2 तक ऐसे लोग जिन्होंने GST निकाला लेकिन एक रुपए का पे आउट नहीं लिया, ऐसे 4000 डायरेक्ट सेलर का लिस्ट हमने यहां पे अपलोड किया है एज पर गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट। और आपको ये मैं बता दूं कि ऑलरेडी हमें बहुत सारे गवर्नमेंट अथॉरिटीज के फोन आना इसके बारे में स्टार्ट हो चुका है, दे वांट डिटेल लिस्ट। अगर किसी का स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट वाइज चाहिए, स्टेट वाइज चाहिए, तो वो ऑलरेडी हमें बोलना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। तो लॉ इंप्लीमेंट हो रहा है क्या? तो हो रहा है। यहाँ पे सर्च डायरेक्ट सेलर करके हैं, जहां पे आप आपका रेफरेंस नंबर डाल के नेटसर्फ आपको एज अ डायरेक्ट सेलर रिकॉग्नाइज कर रहा है या नहीं कर रहा है, यहां पे आप देख सकते हो। तो मैं हमारे जो पहले डायरेक्ट सेलर है उन्हीं का डालता हूं अभी। तो यहां पे आपको रेफरेंस नंबर डालना है एंड सर्च करना है, सर्च करते ही आपको नाम आ जाएगा कि नम्रता एंटरप्राइजेस ज्ञानेश्वर धेतुले पुणे से है, सो वी आर रिकॉग्नाइजिंग हिम एज अ डायरेक्ट सेलर। सो ये जितने भी डायरेक्ट सेलर हमारे हैं वो रजिस्टर्ड डायरेक्ट सेलर, उनका नाम यहां पे आएगा। ये किस लिए दिया है? ये इसलिए दिया है क्योंकि अगर कल उठ के कोई भी आपके साथ कुछ भी होता है और आपके हाथ में आई कार्ड नहीं है, या
आई कार्ड है, लेकिन लोग बोलते हैं आई कार्ड कोई भी बना सकता है, आधार कार्ड बनता है, तो आई कार्ड बनने में क्या लगता है? बराबर है ना? तो ऑनलाइन जाके पीपल कैन सर्च, एनी गवर्नमेंट ऑफिशियल कैन सर्च, सो दिस डॉक्यूमेंट इज देयर, रजिस्टर, एड्रेस ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी एंड इट्स ब्रांचेस, हमारे ऑफिसेस कहाँ कहाँ है, इसका डॉक्यूमेंट भी अपलोडेड है, ये भी आप देख सकते हैं. ऑलरेडी यू नो हमारे ऑफिस कहाँ है, हेड ऑफिस कहाँ पे है, लोकेशन ऑफिसेस मुंबई में है, अहमदाबाद में है, कलकत्ता में है, न्यू दिल्ली में है, बहुत ही जल्द बैंगलोर ऑफिस भी होने वाला है, तो ये भी यहाँ पे आएगा. ईमेल आईडी ऑफ कस्टमर केयर एंड ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर यहाँ पे आएंगे. सो अगर किसी को भी गवर्नमेंट को ग्रीवेंस है, तो महाराष्ट्र गुजरात के लिए केविन सर है, नॉर्थ के लिए रचित सर है, ईस्ट के लिए दिलीप सर है, साउथ के लिए सतीश सर है. सो हर एक का नाम नंबर यहाँ पे दिया है एंड दे आर ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर्स. इसी के साथ साथ हमारे नोडल ऑफिसर है शरद जगताप सर, सब जानते हैं, ही इज आवर नोडल ऑफिसर. सो ये आपको पता होना क्यों चाहिए? कोई भी पूछता है हु इज योर नोडल ऑफिसर, शरद सर आपके सब जानते हो, और चार जोन, चार एरिया के चार अलग अलग ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर. तो मुझे कहने का मतलब यह है कि जो जो बोला था कंपनी की इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी है, जैसे नेटसर्व के जीएसटी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, हर एक स्टेट का हमारा जीएसटी रजिस्ट्रेशन, और इस अगर रजिस्ट्रेशन में आप जाते हो, कोई भी स्टेट में जाते हो, फॉर एग्जाम्पल हम अभी सपोज आंध्र प्रदेश में है, तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना में है वैसे हम, तो वहाँ पे हमारा ये कहाँ पे है और कितने एसपीज हमारे हैं, तो 5 SP टोटल वहाँ पे हमारे हैं, और ये 5 SP के एड्रेसेस ऐसे डिटेल्ड डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट द्वारा दिया हुआ यहाँ पे आता है. सो ये भी आप देख सकते हो, हमारे जीएसटी रिटर्न्स नेटसर्व के देख सकते हो, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन आप देख सकते हो नेटसर्व का. सो एग्जाम्पल नेटसर्व, ये नेटसर्व नेटवर्क हम यूज करते हैं, तो नेटसर्व नेटवर्क ये भी ट्रेडमार्क है, तो ये कब से है, और 2017 से है, तब से हमने नेटसर्व नेटवर्क बोलना स्टार्ट किया. अभी आप बायोफिट के बारे में बात करते हो, या रंगदे के बारे में बात करते हो, हब्जन मोर के बारे में बात करते हो, तो एवरी ट्रेडमार्क यहाँ पे ऑलरेडी है, जो हमने ऑलरेडी लिया था. ऐसा नहीं है कि हमने गवर्नमेंट ने बोलने के बाद ये ट्रेडमार्क लिए है, ये ट्रेडमार्क ऑलरेडी हमारे पहले से ही थे, खाली अपलोड किए. तो हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक लाइसेंस, हमारे FSSAI लाइसेंस, हमारे ITR एक्नोलेजमेंट नेटसर्व के, नेटसर्व का GST सर्टिफिकेट, नेटसर्व का इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, नेटसर्व का MOA, मतलब क्या, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जहां पे पता चलता है कंपनी क्या कर रही है. तो हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग, तो MOA में भी लिखना चाहिए हम डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं करके. बराबर है ना, लिखना चाहिए. तो हम देखते हैं क्या लिखा है हमने, तो मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी यहां पे लिखा है, क्या लिखा है, टू कैरी बिजनेस इन इंडिया एंड एल्सवेयर, बाइंग एंड सेलिंग इंक्लूडिंग B2B एंड B2C बेसिस एंड थ्रू डायरेक्ट सेलिंग चैनल यूजिंग इंटरनेट ई कॉमर्स. तो हम क्या बोल रहे हैं, हम ऑनलाइन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, ये हमने ऑलरेडी अभी नहीं डिक्लेयर किया है, ये पहले से हमारे MOA में है. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं आपको? तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके सभी के लिए, जो जो चाहिए, जिसको जिसको चाहिए, ट्रांसपेरेंसी इसको बोल सकते हैं एट हाईएस्ट लेवल, यहां पे है. अभी आपको कोई भी चेक करना है कि ये कंपनी लीगल है या इलीगल है, किसी को भी चेक करना है, सिंपल यही देखना है, वेबसाइट पे जाओ, नीचे कंप्लायंस में जाओ, कंप्लायंस में जाके जो हमारे डॉक्यूमेंट्स है वो उसके है तो राइट, अच्छा काम कर रहे हैं. हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो उसका नहीं है, या कंप्लायंस करके ऑप्शन ही नहीं है, तो उसका अभी तक ऑडिट हुआ, सिंपल. समझ में आ रहा है, क्लैरिटी आ रहा है? देखो यहां पे एक चीज समझो कि वी वॉन्ट टू सिक्योर योर करियर, हमें आपको प्रोटेक्ट करना है, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे टूल है. ये इसलिए चल रहा है टू प्रोटेक्ट ईच एंड एवरी डायरेक्ट सेलर, क्योंकि डायरेक्ट सेलर ही ऐसा बंदा है जो हमारे पास एक आस से, एक आशा से, एक होप से आया है कि यहां पे मेरा करियर होने ही वाला है, हो ही सकता है. तो हम जो भी चीज करते हैं, इट इज टू प्रोटेक्ट ईच एंड एवरी डायरेक्ट सेलर. नेटसर्व
नेटवर्क, हम हमेशा नेटसर्फ नेटवर्क ही बोलते हैं, खाली नेटसर्फ नहीं बोलते, नेटसर्फ नेटवर्क हम एक हैं। और जब तक हम एक होके काम कर रहे हैं, कितनी भी कठिनाइयां आए, जितने चाहे उतने हर्डल्स आए, जितने चाहे उतने बैरियर्स आए, हम उसको पार कर सकते हैं क्योंकि हम एक हैं। अब ये लॉ तो इंप्लीमेंट हो गया और लॉ इंप्लीमेंट होने के बाद हमें बहुत खुशी हुई कि अरे लॉ इंप्लीमेंट हो गया, हम शायद पहली कंपनी थे जिसने ये किया। और फिर पिछले महीने में, मतलब मार्च में, हमने, मैंने और प्रदीप ने बहुत सारी जगह पे 1-to-1 प्रोग्राम्स किए, मतलब डायरेक्ट सेलर को जाके मिलने की कोशिश की और समझने की कोशिश की कि क्या डिफिकल्टी आ रही है। क्योंकि लॉ इंप्लीमेंट करना एक बात है, लेकिन लॉ इंप्लीमेंट करने के बाद मेरा डायरेक्ट सेलर खुश है क्या? क्योंकि ये सब कुछ चल किसके रहा है? कंपनी चल किसके रही है? आप खुश हो इसलिए, राइट? एंड इफ यू आर नॉट हैप्पी, वी आर नॉट हैप्पी। बराबर है ना? तो जैसे ही हम अलग अलग जगह गए, सब जगह गए, सब जगह से फीडबैक लिए, समझ के लिया, हमारे जो पॉइंट्स है हमने पुट अप करने की कोशिश की, आपके जो पॉइंट्स है हमने समझने की कोशिश की, और हमने इसको इकट्ठा किया कि डिफिकल्टी क्या है, परेशानी क्या है। हमें यह समझ में आया कि आज जिसके लिए हम सब कुछ ये कर रहे हैं, जिसके लिए हम कुछ भी करने के लिए रेडी है, वो मेरा डायरेक्ट सेलर परेशान है क्या? नहीं है, परेशान है। उसको परेशानी देने वाला कौन है? हम नहीं है। कंपनी परेशान कर रही है उसको? कौन कर रहा है? लॉ, लॉ इंप्लीमेंट हो गया, लेकिन लॉ इंप्लीमेंट होने के बाद हुआ क्या? जो ये वे फॉरवर्ड है ना, हम बोल रहे हैं 22-23 फाइनेंशियल ईयर दिख रहा है, लेकिन ये फॉरवर्ड रेड है। आगे जाओ तो कैसे जाओ? नहीं जाऊं वह तो बराबर, जाना तो मैं भी चाहता हूं। यहां पे एक भी डायरेक्टर ऐसा नहीं है जो आगे नहीं जाना चाहता, बराबर ना? अगर आगे नहीं जाना चाहता तो यहां तक आता ही नहीं। सब लोग आगे जाना चाहते हैं, लेकिन ये जो फॉरवर्ड है इसको रेड सिग्नल है। रेड सिग्नल क्या है? जो हमारी आदतें हैं, जो हमारे हैबिट्स हैं, अभी तक के 21 साल के हैबिट्स। लोग बोलते हैं कि आदतों को चेंज करने के लिए 21 दिन लगेंगे। हमारी आदतें कब से हैं? 21 साल से। 21 साल से हमारी कुछ आदतें हैं। क्या आदतें हमारी? बिजनेस लाने की एक सिस्टम है, बिजनेस लाने का एक तरीका है। कैसे आएगा बिजनेस? अभी वो लॉ के चक्कर में हुआ क्या? आदत बदलो। 3 महीने हमने देखा आदत बदलने की कोशिश करके। बदल रही है क्या? नहीं बदल। कुछ हद तक बदल रही है, कुछ हद तक नहीं बदल रही है। और हम नहीं चाहते हमारा डायरेक्ट सेलर परेशान रहे, क्योंकि ये नेटसर्फ नेटवर्क है किसके लिए? डायरेक्ट सेलर के लिए। देखो, नेटसर्फ को अगर पैसे कमाने हैं, नेटसर्फ को अगर पैसे कमाने, हमारे पास बहुत अच्छा आरएनडी है, हमारे पास बहुत अच्छे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है कि नहीं है? हमारा मार्केटिंग अच्छा ही है, हम कभी भी कमा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हमारा प्रॉब्लम क्या है? लेकिन हम आप में अटक गए, आपको छोड़ के हम नहीं कर सकते, ये चीज समझिए। क्योंकि हम चाहते हैं नेटसर्फ को आगे नहीं लेके जाना है, नेटसर्फ के डायरेक्ट सेलर को आगे जाना है। नेटवर्क को कोई रोक नहीं सकता। विजन क्या है? विजन क्या है? यही बिजनेस करे हमारा
आपका अगला जनरेशन, अरे हम ये नहीं बोल रहे कि नेक्स्ट आपका अगला जनरेशन करें, हम बोल क्या रहे हैं डायरेक्ट सेलर का अगला जनरेशन यही बिजनेस करे। और लॉ के चक्कर में हुआ क्या है, अभी यही जनरेशन करेगा कि नहीं पता नहीं है। अरे कभी कभी दिल की बात, मन की बात खुलेआम बोलनी चाहिए। अरे हाँ के ना, मतलब देखो हम और आप अलग है और ये प्लेटफॉर्म में लोग कौन है, सब अपने हैं यार, अपने हैं ना सब, कोई बाहर का है, सब एमसीएम है, हमारे ही लोग हैं, तो जो सच है वो बोलने में क्या प्रॉब्लम है भाई, हाँ कि ना। तो लॉ इंप्लीमेंट तो हो गए, लेकिन लॉ इंप्लीमेंट होने के बाद हुआ ये, क्या हुआ, अरे हुआ क्या, यही हुआ, सब कुछ दिख रहा है दरवाजे के उस पार, जबरदस्त करियर, चाबी जो मिल नहीं रहा, अरे हाँ के ना, फिर भी 20,000 आए हैं, 20,000 जीएसटी आ गए, सच बोल रहे हो झूठ बोल रहे हो, तो बैरियर आ गया, एंट्री बैरियर आ गया, हमें ये दिखने लगा कि हमारा डायरेक्ट सेलर परेशान है, क्यों परेशान है, वो ओएमजी ओएमजी बोल ही नहीं रहा, वो बोल रहा है ओ माय गॉड, ये क्या, मेरा टीम किधर चला गया। अरे मैं अब काम कैसे करूं, मेरी आदतें 21 साल से एक्स वाई जेड है कि नहीं है, कैसे उसको वापस लेके आना है, क्या करना है, यही समझ में नहीं आ रहा, और इसी के आंसर आज हम यहां पे ढूंढने की कोशिश करेंगे। क्या बात है, तो ये दो दिन आने वाले, दो दिन आने वाले, दो दिन यहां से जाने के बाद जैसे जैसे एक एक ब्रेक खत्म हो जाएगा, एग्जाम्पल अभी कुछ सेशन होगा, ब्रेक होगा, तो लंच में जो आप अभी ऐसे बैठे हो सब लोग, थोड़े ऐसे हो जाओ, लंच के बाद दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, फिर आप किधर जाना है बोलो, क्योंकि मैं भी समझता हूं यार, पिछले साल यहां पे हमने केक कटिंग से शुरुआत की थी, सबको याद है क्या दिन थे वो, वाह वाह, 67 लोगों को कैप लगी थी, वाह वाह, अरे हाँ के ना, वापस आएंगे, टेंशन मत लो, तारीफ यही थी, 8-9 थी सिर्फ, 8-9, 7-8 थी, 7-8, तो ये अपना फिक्स है, 7-8 होटल सब फिक्स है, हाँ, अपने को भी आदत है, हमें भी हैबिट है, इधर ही लेना है, बहुत लोग बोलते हैं सर ये होटल तो बदलो, हैदराबाद रखो लेकिन होटल तो बदलो, दूसरा खाना तो खाए। हम बोलते हैं चलो सेट है इधर सब कुछ, क्यों बदलना है, हाँ लकी भी है। तो लॉ इंप्लीमेंट हो गए, कंपनी इज 100% लीगल, Our business is 100% legal. No one can stop us. Problem क्या हो गया? Business ही नहीं है। अरे हाँ के ना? Yes. ऐसा business legal business है जिसमें business? तो barrier किसके किसके आने लगे? सबसे पहले पहला बैरियर क्या, न्यू डायरेक्ट सेलर गेटिंग न्यू
डायरेक्ट कैसे लाए? अपने को आदत क्या है? सब पेटे का खट 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 हो जा जॉइन। अभी हम क्या बोलते हैं जॉइन होना है जीएसटी है तो वो बोलते नहीं है तो जीएसटी लेके आ, आता ही नहीं Yes or no? Yes. Am I telling you the truth? Yes. Yes. देखो, अभी हम हंस रहे हैं, लेकिन ये रोने वाली बात है। देखो, ये हम जानते हैं, क्योंकि हमारा डायरेक्शनर अगर परेशान है, नेटसर्फ का डायरेक्शनर परेशान है, ये हम कभी नहीं देख पाएंगे। हम कुछ भी देख सकते हैं, टर्न ऑन नहीं है देख सकते हैं, बिजनेस नहीं है देख सकते हैं, डायरेक्शनर परेशान है हम नहीं देख सकते। दूसरा प्रॉब्लम क्या है? हम बोल रहे रिटेलिंग करना है तो वो नया कस्टमर अभी दे दिया डायरेक्शनर ने, एक दो, एक डायरेक्शनर की कैपेसिटी है 50, 100, 150, 200, 500 की लिस्ट, चलो हो गए। अभी क्या करूं? अभी नए कस्टमर कहां से लाऊं? लिस्ट खत्म हो गई। अभी तक क्या था? जो नया आता था वो लिस्ट देता था। अभी थोड़ा हम लॉस की तरफ वापस जाते। गवर्नमेंट ने लॉ किसके लिए लाए? किसके लिए लाए? इट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, राइट? तो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनको डायरेक्ट सेलर का कोई लेना देना नहीं। तो उनको कहना क्या है, जो रिटेलिंग सिस्टम से आया हुआ डायरेक्ट सेलर है, ट्रेडिशनल सिस्टम से आया हुआ जो कंज्यूमर है, और जो डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से आया हुआ कंज्यूमर है, ये एक होना चाहिए। क्या बोल रहा है गवर्नमेंट? गलत बोल रहा है क्या? गलत नहीं बोल रहा है, सही बोल रहा है कि जो रेगुलर सिस्टम से, ट्रेडिशनल सिस्टम का जो कंज्यूमर है, उसके जो राइट्स है, उस वो जिस हिसाब से प्रोडक्ट लेता है, उसी हिसाब से डायरेक्ट सेलिंग के कंज्यूमर ने भी प्रोडक्ट लेने चाहिए। गलत है या राइट है? राइट है। मतलब हम जो इनिशियली क्या करते थे, कंज्यूमर को दुबई बेचते थे, थाईलैंड बेचते थे, टूल बेचते थे, वन नाइट टू डेज बेचते थे, ये नहीं बेचना चाहिए। बराबर है, हाँ या ना? लॉ यही बोलता है, ये नहीं बेचता है। अभी ये नहीं बेचना है तो उन्होंने क्या बोला, अभी कंपनी के एंगल से उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट बोले, क्योंकि जो ट्रेडिशनल कंपनी करती है वो कंपनी को करना पड़ेगा, हमने कर दिया, राइट? कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए कंज्यूमर को नेटवर्क के बाहर निकालो, निकाल दिया, निकाल दिया। अभी क्या हुआ, बचा कौन? डायरेक्ट सेलर। डायरेक्ट सेलर, अभी डायरेक्ट सेलर इधर है और उधर कौन है? कंज्यूमर, रिटेलर, होलसेलर, सीएनडीएफ। बराबर ना? Yes. समझ रहे हो ना? बोर्ड पे जाता हूं, बोर्ड प्लीज स्विच टू बोर्ड। ट्रेडिशनल आ गया। तो हुआ क्या, कंज्यूमर ट्रेडिशनल का कंज्यूमर ये है ट्रेडिशनल, यह है डायरेक्शन, सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसको जो मिलता है इसी को मिलना चाहिए, इसको प्रोडक्ट मिलता है इसको भी प्रोडक्ट ही मिलना चाहिए, प्रोडक्ट छोड़ के और कुछ नहीं चाहिए। टूर नहीं रहता, कुछ नहीं रहता, कुछ नहीं रहता। बराबर है, ओके चलो। अभी कंपनी, कंपनी इधर जो कंपनी को रूल्स है यहां पे सेम होने चाहिए, एक्सेप्टेड, डन। हम पहले से ट्रेडमार्क रजिस्टर होना चाहिए, जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, हर स्टेट में होना चाहिए, सर्टिफिकेट, लाइसेंसेस, ये वो सब चाहिए, डन। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी प्रॉब्लम कहां से शुरुआत हुई? अभी गवर्नमेंट ने क्या कहा, बिकॉज ये कंज्यूमर सेम कर दिया, उसके चक्कर में क्या हुआ, यहां पे ट्रेडिशनल में सीएनडीएफ है, होलसेलर है और
रिटेलर्स। यहां पे कौन है? अभी ये जो तीन रोल है ये अकेला करेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ये जो तीन रोल है कौन करेगा? अकेला करेगा, राइट? इसलिए इसको क्या चाहिए? जो जो होलसेलर को लगता है, जो जो सीएनडीएफ को लगता है वो भी इसको चाहिए, और जो रिटेलर को लगता है वो भी इसको चाहिए। मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूं, समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है? ये लॉ बोल रहा है। आवाज, वेरी गुड। ये लॉ बोल रहा है कि जो जो ट्रेडिशनल में है सेम करो, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करो, और कंपनी सेम, कंपनी का डॉक्यूमेंटेशन सेम, लाइसेंसिंग प्रोसेस सेम, और बिकॉज ये दोनों सेम हो गए इनको भी सेम होना ही पड़ेगा। मैं क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है आपको? इनको सेम होना ही पड़ेगा। तो जैसे ही हमें समझ में आया कि बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, हम इसके ऊपर जब से लॉ आए तब से काम कर रहे हैं। आपको लगता रहेगा कि कंपनी ने बोल दिया निकालो जीएसटी, पूरा काम पे लगा दिया, और हम शांत हैं। हम शांत नहीं है, क्योंकि आप अशांत हैं तो हम शांत हो ही नहीं सकते। ये आप एश्योरेंस रखो, इफ यू आर नॉट प्रोटेक्टेड, हमारा बेसिक जिम्मेदारी, पहला काम अगर कुछ है नेटसर्फ का तो डायरेक्ट सेलर का प्रोटेक्शन है। बाकी प्रोडक्ट प्लान ये वो सेकेंडरी है। व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट? टू प्रोटेक्ट ईच एंड एवरी डायरेक्ट सेलर। और अगर मेरा डायरेक्ट सेलर परेशान है तो ये परेशानी दूर करनी पड़ेगी। तो पिछले तीन महीने से हम हमारी लीगल टीम के साथ बैठ के बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस वर्कआउट कर रहे थे कि इसका कुछ तो एक सॉल्यूशन मिले, जिसके चक्कर में ये जो प्लान हो रहा है। देखो यहां पे क्या है, रिटेलर के लिए लॉ अलग है, होलसेलर के लिए सिस्टम अलग है, सीएनडीएफ के लिए अलग है। अपने इधर प्रॉब्लम क्या है, ये जो डायरेक्ट सेलर है ये रिटेलर भी बनता है, कभी कभी यही होलसेलर बनता है, और बाद में यही सीएनडीएफ भी बनता है। तो मुझे पता नहीं है, जैसे अभी तक पता नहीं था कि आप कंज्यूमर हो या डायरेक्ट सेलर हो, अभी मुझे पता क्या नहीं है कि जो डायरेक्ट सेलर है वो सीएनडीएफ है, रिटेलर है या होलसेलर है, और कब रिटेलर रहेगा, कब रिटेलर से होलसेलर बन जाएगा, कब होलसेलर से सीएनडीएफ बन जाएगा, पता नहीं है। समझ में आ रहा है? इसलिए हमने क्या किया, सबको बोल दिया निकाल भाई तू, क्योंकि मुझे भी पता नहीं तू कौन है। समझ में आ रहा है? क्लैरिटी आ रही है? मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, समझ में आ रहा है? लेट्स स्विच टू स्लाइड्स। स्लाइड्स प्लीज। पीपीटी पीपीटी, वेरी गुड। अभी इसके चक्कर में हुआ क्या, एंट्री बैरियर क्रिएट हुआ। क्यों एंट्री बैरियर क्रिएट हुआ? क्योंकि जो डायरेक्ट सेलर अंदर आ रहा है वो विदाउट जीएसटी नहीं आ पाता। एग्जिस्टिंग को जीएसटी निकलना है, ये प्रॉब्लम नहीं है मेरे हिसाब से, वो तो आ जाएगा। प्रॉब्लम क्या है एक्चुअली, नए लोगों को कैसे लेके आओ? क्योंकि उसको, जैसे अस्मिता टीम यहां पर बैठी है, एक अस्मिता टीम दूसरी अस्मिता को जाती है बोलती है तू तो डायरेक्ट सेलर बन जा, जीएसटी निकलना है। ना झंझट करना होता तो मैं कब से कुछ भी कर लेती। और ये खाली अस्मिताओं का प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारा सबका है, हाँ क्या ना? Yes! तो हमें पता ये नहीं चल रहा है कि नए डायरेक्ट सेलर कैसे आएंगे, और दूसरा पता ये नहीं चल रहा है कंज्यूमर्स कैसे आएंगे। तो आज का पहला सेशन डेडिकेटेड टू दीज टू प्रॉब्लम्स, बग फिक्सिंग।
हमने नेटशॉप को लोड कर दिया, फुल्ली लोडेड कर दिया, अभी टाइम है जो जो ये परेशानियां हैं इसको मिटाओ। और मिटाते वक्त 100% लीगली मिटाओ। हमें ये बिल्कुल नहीं करना है, जब प्रॉब्लम आएगा तब देखा जाएगा, बाकी कंपनियां कर रही है ना, हम भी कर लेते हैं। नो, हम वैसे नहीं है, क्योंकि यू डोंट नो कब प्रॉब्लम आएगा, वी डोंट नो कब प्रॉब्लम आएगा। और अगर हमने प्रॉब्लम आ सकता है नहीं आ सकता है, इसके भरोसे फुल राम भरोसे छोड़ दिया है, प्रॉब्लम है बाबा, भगवान भरोसे, हम भगवान को मानते हैं, भरोसा भी रखते हैं, लेकिन उसको परेशानी में नहीं डालना चाहते कि हमें प्रोटेक्ट कर। इट इज आवर जॉब। क्लियर? यस। तो पहला गेटिंग न्यू डायरेक्शन, क्या करते हैं, नए डायरेक्शनर अंदर कैसे आएंगे, क्या कर सकते हैं। तो जब हम ये सोच रहे थे कि क्या कर सकते हैं, हमने सोचा क्यों ना इसी को कॉपी किया जाए, क्योंकि अगर गवर्नमेंट बोल रहा है ये एज गुड एज ट्रेडिशनल हो गया है, दे डोंट वांट टू डिफरेंशिएट, सो लेट्स नॉट डिफरेंशिएट। क्या कर सकते हैं, क्या किया जा सकता है ताकि नए डायरेक्ट सेलर आने में आसानी हो। yes. समझ में आ रहा है? इजीली yes. अंदर आए, एक बार अंदर आ गया, थोड़ा कमा लिया, तो उसको हम बोल सकते हैं भाई अभी इसके आगे जाना है तो जीएसटी निकालना पड़ेगा। wow. wow. खाली मैंने इतना बोल दिया जो सब मुंह लटका के बैठे थे। हा हा हा, मैं बोल रहा हूं ना आपको कि शाम तक क्या होने वाला है। हाँ, मीटिंग हम ऐसे ही नहीं लेते, बराबर है? तो क्या किया जाए जिससे ये डायरेक्ट सेलर अंदर तो आ जाए, अंदर आने के बाद उसको एक टास्क दिया जाए, वो करता रहे और एक अमाउंट तक लिमिट तुझे इनकम मिलता रहेगा। बहुत बढ़िया, मजा आया। उसके ऊपर अगर करना है, तेरे ख्वाब बहुत भारी है, जबरदस्त बनना है तुझे, तू भाई जीएसटी निकाल। जीएसटी निकालना रॉ है क्या? है। निकालना पड़ेगा क्या? 101% निकालना पड़ेगा, देयर इज नो डाउट, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन एक बीच का वे निकाल सकते हैं क्या, लीगल फ्रेमवर्क में बैठ के? कोई भी शूट मत करो और फेसबुक पे तो मत डालो, क्योंकि हमने ये डाल दिया था, हमसे पहले लोग कॉपी करके कर लेते हैं। लास्ट टाइम अपना जो प्रोग्राम हुआ था, बहुत लोगों ने उसको यूट्यूब पे अपलोड कर दिया था, और मुझे अलग अलग कंपनियों के डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, बहुत सारे एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, सबके फोन आके परेशान कर दिया कि तुमने इंप्लीमेंट कैसे कर दिया, हमें बताओ, फॉर द इंडस्ट्री बताना पड़ा। तो बहुत लोगों ने कॉपी कर दिया हमें, बराबर है? अरे समझ रहे हो क्या? तो थोड़ा प्रोप्राइटरी रहने दो यार अपना कुछ, तो बाद में होने ही वाला है, जब हम मार्केट में जाएंगे तो पता चलने वाला है, लेकिन मार्केट में जाने के बाद पता चले अच्छा है। होता क्या है, इधर से ही अपलोड, हम मार्केट में जाने से पहले लोगों का इंप्लीमेंट, वो भी इंप्लीमेंटेशन स्टेज में गए, कितने सारी कंपनियां हैं जिन्होंने कॉपी किया, सोचा ही नहीं, नेक्स्ट सबने किया है ना, बराबर ही रहेगा। अरे तो ये अपना इमेज है क्या मार्केट में? है। हम लीगल है कि सबको पता है क्या? है। हमारा डायरेक्ट सेलर हम यहां पे इसके लिए आता है करियर करने के लिए, तो करियर होता है, सबको पता है क्या? 100% पता है। Clear? तो ये बैरियर कैसे हटाया जाए, क्या किया जाए जिससे ये बैरियर हटे? तो हमने बहुत सोच विचार करके लीगल फ्रेमवर्क में एक नई सिस्टम हम आज यहां पे लॉन्च करने जा रहे हैं। एक नई सिस्टम इन एडिशन टू एग्जिस्टिंग सिस्टम, मतलब एग्जिस्टिंग
चल ही रहा है, अच्छा है। देखो आपको लगता रहेगा बहुत ज्यादा डाउन है, इतना भी डाउन नहीं है हम, ये चीज समझो आप, इतना भी हम डाउन नहीं है। बाकी मार्केट में देखो क्या हालत हो रही है लोगों की, बहुत सारी कंपनियां बंद हो चुकी। हम ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं, वो सर्वाइवल के बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा फर्क है। हम सोच रहे हैं इसके आगे कैसे जाएंगे, हम सोच रहे हैं डायरेक्ट सेलर का पेआउट कैसे बढ़ेगा, वो सोच रहे हैं डायरेक्ट सेलर मेरे पास कैसे नहीं आएगा। तो देयर इज अ डिफिकल्टी, बट हमने इसको बहुत अच्छी तरह से पिछले 3 महीने में फाइट किया है और इसके फ्रूट्स, इसका बेनिफिट हमें सबको मिलने वाला है, एश्योरेंस रखिए। आज तक जब जब नेटसर्फ में कुछ बदलाव आया है या 2 स्टेप हम पीछे गए हैं, हमने इतनी बड़ी छलांग मारी है, इतनी बड़ी छलांग मारी है कि लोग इमेजिन भी नहीं कर पाए। तो ये साल छलांग मारने का साल है, छलांग मारने का साल है, बड़ी जंप। अगर ये बड़ी जंप लेने का साल है, छलांग मारने का साल है, तो हमें एक भी चीज, एक भी छोटा मोटा लूप होल इस सिस्टम में नहीं रखना है। और इसीलिए एक नया सिस्टम आज हम यहां पे लॉन्च कर रहे हैं। तो आज बहुत सारे सिस्टम दिन भर में लॉन्च होंगे, कुछ एग्जिस्टिंग के लिए है, कुछ फ्यूचर के लिए है, क्लियर। तो अभी एग्जिस्टिंग बिजनेस को और मजबूत करने के लिए एक नया सिस्टम हम लॉन्च करने जा रहे हैं। ये जो 2 इश्यूज है, 2 प्रॉब्लम्स है, इसका सॉल्यूशन हम आज यहां पे लेने वाले हैं। तो सबसे पहला जो इश्यू है अपना क्या है, गेटिंग न्यू डायरेक्ट सेलर। तो प्रेजेंटिंग ऑल न्यू लॉगिन टाइप, हम आज यहां पे अप्रैल साइकिल 1 से लॉन्च करने जा रहे हैं ऑल न्यू लॉगिन टाइप, एक ऐसा लॉगिन टाइप जिसमें एंट्री बैरियर हटेगा, कोई भी आसानी से अंदर आ सकता है। क्लियर, कैसे क्या होगा ये? तो एक ऐसा लॉगिन टाइप जहां, जिसको हम बोल रहे हैं ई टेलर, क्या बोल रहे हैं हम, E-tailer. ये अपने पास पुराना था, था कि नहीं था, था, वापस लेके आए। ई टेलर क्या कर पाएगा, ही विल ओनली गेट रिटेल कमीशन। हम क्या कर रहे हैं देखो, हम रिटेलर को अलग कर रहे हैं, और समझ में आ रहा है, He will only get, मतलब क्या, मतलब एकदम सिंपल है, पहला पॉइंट, He will not be able to, वो क्या क्या नहीं कर पाएगा पहले देखते हैं। पहला, add new direct seller, नया direct seller वो अपॉइंट नहीं कर सकता, क्योंकि वो कौन है, He will not be able to add new direct seller, He will not able to get 3%, 4%, 5%, 6%, अपना जो नेटवर्क कमीशन है वो उसको मिलने वाला। हम B2B सेल्स स्टार्ट कर रहे हैं, पता चलेगा आपको क्या है सेकंड प्रेजेंटेशन में, नो B2B सेल्स, B2B सेल्स नहीं कर पाएगा। लेग बढ़ा नहीं सकता, लेग 1, लेग 2, टीम 1, टीम 2, नो कैरी फॉरवर्ड। लेकिन कैन बी कन्वर्टेड एज डायरेक्ट सेलर आफ्टर कंप्लीटिंग डीएस फॉर्मेलिटीज। मैं क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा है, बाद में कभी भी कन्वर्ट कर सकते हो उसको डायरेक्ट सेलर करके, ओके। ये करने के लिए इसको GST नहीं लगेगा। मैं क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा है क्या? अभी ये करेंगे कैसे,
ये नया डायरेक्ट सेलर अपॉइंट नहीं कर सकता, ये नेटवर्क कमीशन नहीं मिलेगा, बी टू बी नहीं मिलेगा, तो करेगा क्या ये? तो करेगा क्या? 10% का जो अपना कमीशन है रिटेल मार्जिन वो उसको मिलेगा। ग्रेट। मतलब क्या? वो कस्टमर को प्रोडक्ट बोल सकता है, बोल सकता है कस्टमर कहां से ले रहा है, कंपनी से ले रहा है, इसको 10% मिल रहा है। सिस्टम पता है आपको ऑलरेडी? अरे 3 महीने उससे काम किया ना, पता है कि नहीं पता है? अभी ये अगर नए आदमी को करना है इसके लिए इसको जीएसटी की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको अगर नेटवर्क कमीशन चाहिए, आपको कैरी फॉरवर्ड चाहिए, आपको टर्नओवर चाहिए, आपको सब कुछ चाहिए, जीएसटी लगेगा। समझ में आ रहा है? तो एग्जिस्टिंग लोगों को जीएसटी क्यों लक्षण पसर है? क्योंकि एग्जिस्टिंग लोगों ने जीएसटी नहीं दिया, कैरी फॉरवर्ड चला जाएगा, नेटवर्क कमीशन नहीं मिलेगा। अरे समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं? तो ये एक नया लॉगिन टाइप हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, ई टेलर। तो हमने किया क्या बोर्ड प्लीज, हमने किया क्या? हमने किया एक ही चीज, हमने ये रिटेलर को बाहर निकाल दिया। ये जो रिटेलर है इसको बाहर निकाला और यहां पे हमने ईटेल डाल दिया। समझ में आ रहा है? मतलब अभी हमारा नेटवर्क क्या होगा, ये डीएस है, अभी ये कितने भी रिटेलर ई आर अपॉन करें करो, इसको कमीशन मिलेगा क्या? 100% मिलेगा, क्योंकि इसका जीएसटी है क्या? Yes. इसको क्या मिलेगा? रिटेल प्रॉफिट। कंज्यूमर 10% 10% 10%। क्लैरिटी आ रही है? Yes. समझ में आ रहा है? Yes. अरे समझ में आ रहा है क्या? Yes. तो ईटेलर को क्या मिलेगा? 10%। कंज्यूमर को कनेक्ट कर, कंज्यूमर को बिल किसका किसका आ रहा है? नेटसर्फ का। सो ये बी टू सी सेल है, राइट? इसको 10% मिल गया, ऊपर टर्नओवर आपको पास हो गया, ओके? अभी 10% इसको मिल गए, इसका मतलब इसको क्या मिला? रिटेल प्रॉफिट मिला कि नहीं मिला? अभी रिटेल प्रॉफिट से जुड़े जितने भी टर्नओवर टारगेट्स हैं उसके लिए एप्लीकेबल है। क्या मतलब समझ में आ रहा है? Yes, yes. इसका मतलब ओएमजी था हाँ अभी चल रहा है, लेकिन अभी ये चालू नहीं है ना, अप्रैल से था, मेरे हिसाब से था। अभी उसपे रिटेल का टारगेट दिया था, दिया था। अरे दिया था कि नहीं दिया था? Yes. दिया था। वो अगर ये रिटेलर कंप्लीट करता आ सकता तो वो भी ओएमजी में आ सकता था। सुपर ट्रैक लास्ट टाइम हमने दिया था, दिया था सुपर ट्रैक में टारगेट था रिटेल का, उसको मिलता था। मतलब फास्ट ट्रैक एंट्री रिटेल के माध्यम से थी कि नहीं थी? 7500 आ सकता है। समझ में आया? सब कुछ मिलेगा, मतलब क्या नहीं मिलेगा? हाँ, अभी इसको क्या बोल सकते हैं? पहले तो स्टार्ट कर सुपर ट्रैक, क्लब रेट सब कर, एक दो अटेंड, उसके बाद वो खुद ही बोलेगा सर ये 8-19 कैसा का बात है सर? तो क्या कर? कुछ नहीं, अभी जीएसटी निकाल, तेरा नेटवर्क मैंने नीचे ऑलरेडी लगा दिया है, तेरा पोजीशन वही रहेगा। अरे क्या समझ रहे हो क्या? नेटवर्क मैंने ऑलरेडी बढ़ा दिया है, तेरा पोजीशन वही रहेगा, थोड़े 2-4 स्किल तू भी मार दे, एक बॉटम पकड़, काम करना चालू। पासवर्ड तो है, चालू पासवर्ड, परफेक्ट। और हमारे लोग वैसे ही करेंगे,
एक लेग बढ़ा के रखेंगे ऐसे रिटेलर का, ताकि वो बोल सके देख इधर टर्न हो रहे हैं, जीएसटी निकाल। अरे समझ में आ रहा है क्या है? अभी ये भी अगर कमीशन चाहिए तो निकाल, नहीं चाहिए 10% लेके खुश रहे भाई। और अचीवमेंट हो रहा है क्या? अरे समझ में आ रहा है क्या? क्लैरिटी आ रही है क्या? क्लियर? खास बात समझ गए? मैं वापस एक बार समझाता हूं, कुछ लोग अपने इधर जल्दी जल्दी समझ में नहीं आता क्योंकि जोश जोश में थोड़े आगे चले जाते हैं, दो चार सेंटेंसेस मिस हो जाते हैं। देखो एक डायरेक्शनर है, जब मैं डायरेक्शनर बोल रहा हूं जीएसटी रजिस्टर्ड है ये अज्यूम कर लो, ओके। इसने क्या किया, एक ई टेलर अपॉइंट किया, राइट। उसके नीचे दूसरा ई टेलर अपॉइंट किया, इसके नीचे एक डायरेक्ट सेलर आ गया, नेटवर्क चालू कर दिया इसने, बराबर है। ये ई टेलर को क्या हो रहा है, रिटेल प्रॉफिट मिल रहा है, इसको भी मिलता रहेगा, मतलब नो प्रॉब्लम, ये तो सब कुछ कर सकता है, इसको मिलता रहेगा 10%। अभी इधर से जो भी टर्नओवर आ रहा है ये स्किप है, सीधा ऊपर वाले को मिल रहा है, बराबर। लेकिन टर्नओवर आ रहा है क्या? रनिंग लेग है क्या? रनिंग टीम है कि नहीं है? है। तो आप दिखा सकते हो क्या, हर साइकिल में तेरे इधर नीचे मिनिमम 1,00,000 रुपए आते ही है, मिनिमम 2,00,000 रुपए आते ही है, मिनिमम 5,00,000 रुपए आते ही है, डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ नेटवर्क। अरे समझ रहे हो क्या? Yes. तो क्या कर, जीएसटी निकाल। जीएसटी जैसे ही निकालेगा सेम पोजीशन पे इधर ही तू बन जाएगा, क्लियर? क्लैरिटी आ गई, समझ में आ गया, एकदम क्लियर? वेरी गुड। अभी इज इट लीगल? हमने क्या किया, लीगल फ्रेमवर्क में हमने इसको बिठा दिया, लीगल फ्रेमवर्क में हमने इसको बिठा दिया। इसलिए मैं इधर क्या बोल रहा हूं, कैन बी कन्वर्टेड एज डायरेक्ट सेलर आफ्टर कंप्लीटिंग जो भी फॉर्मेलिटीज है। फॉर्मेलिटीज क्या क्या है आपको पता है, इंप्लीमेंटेशन में हमने देखा है। मेन तो जीएसटी है, बाकी सब तो हो जाएगा, क्लियर? yes. समझ में आ रहा है? ओके सर। आगे चले, पहला प्रॉब्लम सॉल्व। पहला प्रॉब्लम क्या था अपना, आज तो बीच में गया प्रॉब्लम। हाँ, गेटिंग न्यू डायरेक्ट सेलर वॉज अ बैरियर, गेटिंग न्यू, ये बहुत पीछे चला गया। गेटिंग न्यू डायरेक्ट सेलर ये बैरियर था। अभी बहुत बढ़िया हो गया, अभी नया डायरेक्शन निकाल सकते हो क्या? yes. अस्मिता, yes. नए अस्मिता आ सकते हैं क्या? yes. 100% आ सकते हैं, 10% गुड टारगेट, गुड इनफ अमाउंट कर सकते हैं। क्या क्या नहीं मिलेगा इसको, वापस एक बार काम नहीं, टर्नओवर नहीं। हाँ नहीं तो कोई आएगा सर, वो कैरी फॉरवर्ड अगर मिल जाता ना, नहीं मिलने वाला, नॉट एबल टू एड अ न्यू डायरेक्ट सेलर। ये नया डायरेक्ट सेलर अपॉइंट नहीं कर सकता, लेकिन नए कस्टमर कर सकता, नया रिटेलर भी अपॉइंट नहीं कर सकता ये, लेकिन किया। देखो उसके रेफरेंस से मिला, उसको बोल सकते हैं भविष्य में ये तेरे नीचे ही आएगा, वो आप स्मार्ट हो, वो आप मैनेज करो, मैं ऑफिशियली बोलूंगा नो, गेट नेटवर्क कमीशन। मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा नेटवर्क कमीशन, 3%, 4%, 5%, 6% मिल सकता है, नो। एज पर न्यू लॉज, न्यू गाइडलाइन, हम उसको ये नहीं दे सकते, जब तक जीएसटी नहीं है तब तक नो कैरी फॉरवर्ड, नो कमीशन। B2B सेल्स कर सकता है क्या? नहीं। प्रोडक्ट लेके बेच सकता है क्या, मतलब नहीं, कैरी फॉरवर्ड नहीं, क्लियर? लेकिन फिर मिलेगा क्या, एक ही चीज मिलेगी, 10%।
10% मिलेगा, उसके साथ साथ अचीवमेंट मिलेगी। ओके, अगर ये टूल हमने लाया है तो इसके लिए पाथ फाइंडर में हमने जगह दी रखी की क्या दिया रहेगा क्या? नया पाथ फाइंडर लॉन्च हो रहा है क्या? कब होने वाला है? आज लंच के बाद, तो बाद में। हाँ, क्लियर एकदम, समझ में आ रहा है? पहला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अरे हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, थोड़ा तो बोलो यार, इतना 3 महीना झगड़ झगड़ के परेशान होके कुछ तो लेके आए। क्लियर? yes, आगे चलते हैं, अभी दूसरे प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। बहुत बड़ा दिमाग है। प्रॉब्लम क्या है अभी? कंज्यूमर लिस्ट खत्म हो गई, नया कंज्यूमर आएगा कैसे? परेशानी है क्या? है, नया कंज्यूमर कैसे आएगा? अगला बिगेस्ट चैलेंज अपना क्या है? कस्टमर एक्विजिशन एंड रिटेंशन, मैनेजमेंट की लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, मतलब न्यू कस्टमर आएगा कैसे एंड उसको पकड़ के कैसे रखे। अरे समझ में आ रहा है क्या? जी सर। क्योंकि वो कस्टमर हिलना भी नहीं चाहिए ना। सो न्यू कस्टमर एक्विजिशन एंड रिटेंशन, ये अपना अगला प्रॉब्लम है कि नहीं है? नया कस्टमर कैसे आएगा, मतलब ऐसा क्या कर सकते हैं जिसके चक्कर में नया कस्टमर अपने पास आता रहेगा और जो आया हुआ कस्टमर है ये वापस बार बार लगातार रिपर्चेस करता रहेगा। yes. ताकि हम किस लिए आए यहाँ पे सब? हम लोग कौन है? डायरेक्ट सेलर। डायरेक्ट सेलर है कि नहीं? yes. लेकिन अपनी मेंटेलिटी क्या है? नेटवर्कर। अरे है कि नहीं है? मेंटेलिटी चेंज करनी है क्या? yes. नहीं, हमें वो 8-19 चाहिए। अरे चाहिए कि नहीं चाहिए? कुछ भी करके वो चाहिए, पकड़ पकड़ के चाहिए। उसके लिए हम कुछ भी करने के लिए रेडी है। हाँ कि ना? यस या नो? नया कस्टमर एक्विजिशन करना पड़ेगा, वो भी करेंगे। कैसे करेंगे थोड़ा देखते हैं। सिस्टम लॉन्च करना पड़ेगा, मतलब क्या? देखो प्रॉब्लम क्या है, सक्सेस कैसे मिल सकता है? न्यू कस्टमर एक्वायर करो, रिटेन करो एंड कंज्यूमर बेस कॉन्स्टेंटली ग्रो करते रहो। बराबर है? सो एक्वायर न्यू कस्टमर, राइट, रिटेन देम एंड ग्रो। एक्वायर न्यू कस्टमर, रिटेन देम, ग्रो। पैसा हो क्या कर सकते हैं, क्या करना पड़ेगा? देखो इसमें सबसे बड़ी अच्छी बात क्या है? मोर कंज्यूमर्स मोर विल बी द रिटेल बिजनेस, मोर रिटेल बिजनेस मोर विल द प्रॉफिट। क्योंकि अभी हमने रिटेलर भी लगा दिया, राइट, उसके भी कंज्यूमर आ रहे हैं। सभी लोग रिटेलर नहीं बनने वाले? नो। अरे हाँ या ना? सबको रिटेलर नहीं बनाना है ना, सबको बेचने नहीं लगा रहे, कोई तो खरीदने वाला भी चाहिए। अरे हाँ नहीं? यस या नो? यस। तो कोई बेचने वाला है, कोई खरीदने वाला है। देखो यहां पे पूरा गेम ये माइंडसेट का है, मेंटालिटी का है। अलग अलग मेंटालिटीज है पूरे मार्केट में। एक मेंटालिटी है जिसके सपने हैं, जो आगे बढ़ना चाहता है, जो बहुत आगे जाना चाहता है, आज जेब खाली है फिर भी सोचता है कभी ना कभी आगे निशाएगा। मेंटालिटी अलग, मेंटालिटी नेटवर्कर, डायरेक्ट सेलर, लीडर। दूसरी मेंटेलिटी क्या है? दूसरी मेंटेलिटी है, वो बोलता है एक 15-20 हजार मिल गए ना, बहुत है, 10-15 हजार चाहिए, 8-19 वगैरह नहीं मिला चलता है। सेकंड मेंटेलिटी, ये कौन है? रिटेलर, राइट। तीसरी मेंटेलिटी है, मैं कंज्यूमर हूं, मैं क्या खाता हूं, मैं बार बार रिचार्ज एंड डिस्चार्ज होता हूं। भारत का कंज्यूमर कैसा है? भारत का नहीं, पूरे दुनिया का कंज्यूमर कैसा है? देखो कंज्यूमर यानी कौन? कस्टमर, राइट। कंज्यूमर कैसे रहता है? वो हर महीने की 5 तारीख को रिचार्ज होता है। अरे होता है कि नहीं होता है?
होता है कि नहीं होता है? 5 तारीख को रिचार्ज होता है और 5 तारीख के अगले क्षण से डिस्चार्ज होना स्टार्ट होता है। यस या नो, डू यू एग्री? तो देर आर 3 मेंटेलिटी। एक लीडरशिप वाली मेंटेलिटी है, आगे बढ़ने इच्छा वाली मेंटेलिटी है, दिन कुछ बड़ा करने की सोच रखने वाली मेंटेलिटी है, उसके लिए जीजा लगा के मेहनत करने की मेंटेलिटी है, उसके लिए कुछ भी हो जाए लेकिन ये करके ही रहूंगा, ये मेंटेलिटी है लीडरशिप की। दूसरी मेंटेलिटी है रिटेलर, 10-15 हजार 20 हजार बहुत हो गया। अब ये 10-15 हजार 20 हजार वाले को बोलोगे ना आप 19 कमाना है, 8 लाख करके मैं करूंगा क्या इस पैसे का? उसको यही समझ में नहीं आएगा कि 8 लाख खर्चा कैसे करूं। क्यों? मेंटेलिटी नहीं है। मानसिकता क्या है? मानसिकता क्या है? 10-15 हजार जो मिल रहा है अच्छा मिल रहा है। तीसरी मेंटेलिटी क्या है? मैं ऑलरेडी व्यस्त हूं, मेरी बहुत सारी परेशानियां हैं, मेरे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इसलिए मैं रोज जॉब करता हूँ, खेती करता हूँ, कुछ ना कुछ काम करता हूँ ताकि मेरे परिवार को मैं जो भी रिक्वायर्ड है वो दे सकूँ। मैं रिचार्ज होता हूँ, मैं डिस्चार्ज होता हूँ, मैं रिचार्ज होता हूँ, मैं डिस्चार्ज होता हूँ। ये कौन है? समझ में आ रहा है? तीनों मेंटेलिटी समझ में आ रही है? देखो अभी आप जब फील्ड पे जाओगे ना, मेंटेलिटी को समझो किसको क्या बनाना है। ऐसे ही किसी को उठा के सबको एकदम बोलने मत बोलो जब जबरदस्त, बाद में जीएसटी नहीं करे 8 महीने नहीं कर रहे हैं, मुझे प्रोडक्ट दे बस हो गया, मेरा ऑलरेडी अच्छा चल रहा है। एक चीज समझो, भारत के सभी लोगों को आप डायरेक्ट सेलर नहीं बना सकते, भारत के सभी लोगों को आप कंज्यूमर जरूर बना सकते। समझ में आ रहा है? अगर वो कंज्यूमर बन गए हमें एज अ डायरेक्ट सेलर बहुत अच्छा अर्निंग होगा। सो आवर टारगेट इज टू मेक कंज्यूमर्स, नॉट टू मेक डायरेक्ट सेलर रिटेलर। वो तो बनते रहेंगे, जो आ रहे हैं वो बनते रहेंगे। समझ में आ रहा है? तो मेंटालिटी को समझो, मानसिकता को समझो, लोगों की मानसिकता को समझो। बहुत लोगों को नहीं अच्छा लगता बेचना, बेचा तो देख बेचे मुझे नहीं बेचते। समझ में आया? ये कौन है? ये कंज्यूमर है, कर दो कंज्यूमर उसको, और वो उसको कैसे काम पे लगाना है ये भी मैं बोलता हूं। अभी गड़बड़ क्या है देखो, आपने अपनी 21 साल की आदत है पुरानी, क्या कंज्यूमर को सिर्फ प्रोडक्ट बेचना हमें नहीं अच्छा लगता। ऐसा बोला कि ऐसा प्रोडक्ट है, उसने हाँ बोल दिया, पैसे ले लिए, किक बैठती नहीं अपने को। क्यों? ऐसा पेन पेपर लेके उसको कुछ समझा ही नहीं ना। अरे समझ रहे हो क्या क्या हो रहा है? आपको परेशानी क्यों हो रही है? परेशानी इसलिए हो रही है क्योंकि अभी तक हमने कंज्यूमर को सिर्फ प्रोडक्ट बहुत कम बार बेचा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं नहीं बेचा, हमने प्रोडक्ट के साथ साथ बहुत कुछ बेचने की कोशिश की, क्या ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, फिर उसको सपने दिखाओ, फिर ये करो। अभी वो सपने नहीं देखना चाहता, फिर भी हम उसके लिए देख लेते हैं, देख तेरा कैसे आगे हो सकता है। अभी वो दिख रहा है, उसको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है मुझे पता नहीं, लेकिन मैं तो बोलूंगा देख ऐसा हो सकता है। अरे हाँ के ना, ये हम है, हमें सिर्फ प्रोडक्ट बेचना अच्छा नहीं, तो कुछ तो अलग बेचने के लिए देना पड़ेगा क्या हमें? अरे देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? तो चलो कंज्यूमर कौन है? जैसे मैंने बताया इंडिविजुअल हु इज परचेस एक्स प्रोडक्ट थ्रू रिटेलर डायरेक्ट सेलर आइदर ऑनलाइन और ऑफलाइन, बराबर है। अभी इसको हमें कुछ तो करके अच्छा कुछ तो देना है। तो लेट्स जैसे हमने ई टेलर एक प्रोजेक्ट दिया फॉर डायरेक्ट सेलर जो रिटेलिंग करना चाहते हैं, वैसे ही हम एक अलग प्लान कंज्यूमर के लिए लेके आ रहे हैं।
So introducing next a new entity in NetSoft. NetSoft Privilege Consumer. NPC. NetSoft Privilege Consumer. तो कंज्यूमर का एक प्लान लेके आ रहे हैं। ये प्लान कैसे वर्कआउट होगा? लीगल फ्रेमवर्क में बिठा के, बराबर है ना? इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। कैसे वर्कआउट होगा समझ लो, सिस्टम को समझो। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, पहले बोर्ड पे, बाद में पीपीटी पे। क्लियर? ओके, बोर्ड प्लीज। तो ये जो अपना कंज्यूमर है ना, जैसे मैंने बताया, कंज्यूमर की एक मेंटालिटी है, एक मानसिकता है कंज्यूमर की। क्या मानसिकता है? वो रिचार्ज होता है, क्योंकि अगर कंज्यूमर के लिए प्लान लेके आना, एक सिस्टम लेके आनी है, तो सबसे पहले कंज्यूमर को समझना पड़ेगा हमें, ये है क्या चीज कंज्यूमर, कर क्या रहा है, क्या कर सकता है, क्या हुक है उसका, राइट? तो ये जो कंज्यूमर है, जैसे मैंने बताया कि 5 तारीख के आसपास ये रिचार्ज होता है, मोस्टली सैलरीड एम्प्लॉयड है, राइट? या छोटा मोटा बिजनेस करने वाला बंदा है, या खेती करने वाला है, यस? तो ये जो कंज्यूमर है, इसके दिन के या महीने के कुछ स्टैंडर्ड खर्चे हैं। वी एज अ कंज्यूमर भी है कि नहीं है? है। तो क्या क्या स्टैंडर्ड खर्चे हैं? तो इसको एक इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना पड़ता है, भरना पड़ता है कि नहीं पड़ता? यस। कंज्यूमर को भरना पड़ता है? यस। सबको ही भरना पड़ता है? अपने इधर से टिक टुक नहीं है सिस्टम, इलेक्ट्रिसिटी बिल रहता है। दूसरा क्या होता है? इसको मोबाइल रिचार्ज रहता है, इसका रहता है कि नहीं रहता? मोबाइल रिचार्ज। और क्या रहता है इसका? गैस सिलेंडर, पेट्रोल, पेट्रोल, पेट्रोल भरते हैं, पेट्रोल, टू व्हीलर में पेट्रोल। और क्या करता है ये? हाँ, डीटीएच, 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 परफेक्ट, डीटीएच, डीटीएच। कुछ ओटीटी भी करते हैं, मतलब वो अभी मोबाइल पे भी दिखना अच्छा लगता है ना सबको, अरे होता है कि नहीं होता है? हाँ, मेरे टाइम के हिसाब से। और क्या करता है ये कंज्यूमर? गैस, 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 परफेक्ट, गैस, अस्मिता गैस बोलेगी 100% गैस। तो गैस, पाइप गैस है या सिलेंडर है, पैसे तो लगते हैं महीने के, महीने के, राइट? और क्या रहता है उसका? ग्रोसरी का बिल रहता है, वेरी गुड, ग्रोसरी का बिल रहता है। और हाँ, फास्टैग हाईवे पे गए तो लगता है, कंज्यूमर नहीं जाता। हाँ, एक 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 करके। हाँ, मिल, मिल्क, मिल्क, दूध, 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 मिल्क, मिल्क, दूध का बिल रहता है, मिल्क, वाटर का बिल भी रहता है कुछ जगह पे, बराबर, पानी का बिल भी रहता है। और बच्चों के क्रेडिट कार्ड के बिल रहते हैं, राइट? क्रेडिट कार्ड, बराबर है ना? चलो, और बहुत सारे कस्टमर के एक्सपेंसेस रहते हैं। हाँ, क्या? यूटिलिटीज, स्कूल फीस, स्कूल की फीस, ओके, स्कूल फीस, बच्चे हैं तो स्कूल की फीस, और अदर लिख लेता हूं मैं। तो ऐसे बहुत सारे हैं उसके एक्सपेंसेस, खर्चे रहते हैं कि नहीं रहते? हर एक कंज्यूमर के रहते हैं ये, शायद ही कोई कंज्यूमर रहेगा वो बोलेगा मुझे रिचार्ज नहीं करना है, शायद ही कंज्यूमर कोई रहेगा वो बोलेगा मुझे पेट्रोल नहीं लाई है, मुझे डीटीएच नहीं चाहिए, मुझे ओटीटी नहीं चाहिए, तो वो अपना कंज्यूमर ही नहीं रहेगा शायद, बराबर है ना? हाँ, मतलब वो किसी का भी कंज्यूमर नहीं रहेगा, राइट? तो ये कंज्यूमर है, ये क्या होता है? हर महीने को चार्ज होता है, और इन सारे बिल के पीछे डिस्चार्ज हो जाता है।
वो काम किस लिए करता है? ये बिल पे कर सको। अरे हाँ के नाम अपना ओपनिंग यही रहता है ना, परफेक्ट। तो इससे बाहर आना चाहते हो तो लेट सब वगैरह 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 हम बोलते हैं राइट। अभी उसको उधर ही रह दो, चल रह इधर, तुझे अच्छा लगता है ये, वेरी गुड। तो क्या हम कुछ ऐसा कुछ सिस्टम लेके आ सकते हैं जिसके माध्यम से इसके ये जो खर्चे हैं उसमें से कुछ खर्चे लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल, मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच, ओटीटी, गैस वगैरह वगैरह हम नेटवर्क के माध्यम से दे सके? मैं क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा है आपको? एवरी कंज्यूमर हैज सम एक्सपेंसेस, एवरी कंज्यूमर हैज सम एक्सपेंसेस लाइक दिस। कैन वी हैव अ सिस्टम जिसके चक्कर में ये जो एक्सपेंसेस है, ये जो एक्सपेंसेस है ये नेटसर्फ के माध्यम से तुझे मिले कंज्यूमर को, राइट? अभी कैसे मिलेंगे? तू अगर नए कंज्यूमर देगा तो मतलब हम कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या कि देख तू तो किसान है, एक किसान हूं मैं कंज्यूमर हूं और मेरा डायरेक्ट सेलर उधर गया है तो क्या बोलेगा वो? तू किसान है, तूने ऑलरेडी स्टीम शेत बहुत अच्छे से यूज किया है, तेरे आजू बाजू में बहुत सारे किसानों को तू पहचानता रहेगा, तो अगर इनको बोलता है, किसी एक को भी बोलता है ये प्रोडक्ट लेने के लिए, तो हो सकता है तेरा मोबाइल रिचार्ज फ्री हो जाए, हो सकता है तेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल फ्री हो जाए, हो सकता है तेरा पानी का खर्चा फ्री हो जाए, हो सकता है तेरा गैस का खर्चा फ्री हो जाए। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? हाँ, अभी उसको बोलने को मजा आ रहा है, अभी कैसे? हाँ, अभी सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बोल रहे, प्रोडक्ट तो बोल दिया, प्रोडक्ट तो ले लिया, अभी आगे, अभी ये तो एक खर्चे है कि नहीं है? है। अभी इसको अगर तुझे नेटसर्फ के माध्यम से चाहता है क्या ये फ्री हो जाए, मतलब अगर कोई पॉलिटिशियन आके बोलता है बिजली फ्री कर दूंगा तो उसको वोट डाल देते। बिजली का बिल कितना रहता है? 250, 300, 500 रुपए। लेकिन वो 500 रुपए देने में प्रॉब्लम नहीं है, वो ऐसा देने में तकलीफ होती है, फ्री मजा है। अरे होता है कि नहीं होता है? देखा है ना हमने ये? अरे नॉर्थ वालो देखा कि नहीं देखा? हाँ। तो क्या हम बोल सकते हैं ये कि देख भाई नेटसॉफ्ट के प्रोडक्ट रेफर कर, जितना रेफर करेगा मिल जाएगा? कैसे मिलेगा? सिस्टम है, समझाना पड़ेगा उसको, तो उसको सिस्टम समझाने में मजा आएगा क्या हमें? देख क्या करना पड़ेगा तुझे, ऐसा करेगा तो ऐसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा तो ये ऐसा पॉइंट मिलेगा ऐसा। अरे समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ वेरी गुड, अभी आप समझ गए। नहीं पहले प्रोडक्ट बेचना है बाद में ये बता रहे हैं। समझ में आ रहा है? क्लैरिटी आ रही है? तो क्या हम ये कर सकते हैं? 100% कर सकते हैं। अभी लीगल फ्रेमवर्क में ये बैठता है क्या? बैठता है, क्योंकि जैसे गवर्नमेंट ने हमें बताया है ये जो कंज्यूमर है ये ट्रेडिशनल का जो कंज्यूमर है और डायरेक्ट सेलिंग का जो कंज्यूमर है वो सेम है, राइट? तो ट्रेडिशनल में कंज्यूमर के लिए कुछ लॉयल्टी पॉइंट्स के प्रोग्राम रहते हैं, रहते कि नहीं रहते? yes. रहते। अभी वो हमारे जैसे डायरेक्ट सेलिंग मेंटेलिटी वाले, नेटवर्किंग मेंटेलिटी वाले कंपनीज नहीं है तो उतना इफेक्टिव नहीं ला पाते। लेकिन हम क्या है, हम इतना कॉम्प्लेक्स बिजनेस प्लान बना सकते हैं, तो ये तो अपने लिए
बहुत अच्छा बना सकते हैं। कितना अच्छा? बहुत अच्छा। तो जैसे ये एक लॉयल्टी प्रोग्राम बनाते हैं कंज्यूमर का, क्यों ना नेटसफ एक लॉयल्टी प्रोग्राम कंज्यूमर का लॉन्च करें? कर सकते कि नहीं कर सकते? कर सकते। एक ऐसा लॉयल्टी प्रोग्राम जिसके माध्यम से दो ऑब्जेक्टिव है अपने, एक कंज्यूमर और कंज्यूमर देता रहे और दूसरा परचेसिंग भी करता रहे, राइट? समझ में आ रहा है? सो प्रेजेंटिंग नेटसर्फ प्रिविलेज कंज्यूमर, इसमें होगा क्या थोड़ा समझ लो, फिर हम पीपीटी पे जाके वापस एक बार देखेंगे। थोड़ा इसको समझ लो। अभी ये डायरेक्ट सेलर है, इसको थोड़ा छोटा करता हूं मैं। अभी ये कंज्यूमर है, फोकस, राइट? अभी ये कंज्यूमर ने प्रोडक्ट ले लिया, कोई भी ले लिया। अभी किसान है तो बायोफिट ले लिया, अस्मिता है तो रंगदे या हब्स एंड मोर ले लिया, नेचुरा मोर ले लिया, जो भी प्रोडक्ट अपना है उसने लिया। अभी आप उसके पास गए हो और ये कंज्यूमर को क्या बोल रहे हो? देख, अभी तूने प्रोडक्ट लिया, तूने प्रोडक्ट यूज भी किया, राइट? तो हमारे पास एक सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं एनपीसी, नेटसर्फ प्रिविलेज कंज्यूमर। इसका तो पार्ट बन सकता है, इसका तो पार्ट बन सकता है। और अभी क्यों बनना है? तो मैंने स्टार्टिंग का पिच आपको दे दिया है, वो बता दो, वापस वापस नहीं बताता मैं। तो तू बन सकता है, बनने से तेरे बहुत फायदे होने वाले हैं, ओके? अब ये बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना है तुझे। तू वैसे भी प्रिविलेज है क्योंकि तू नेटसर्व का कस्टमर है, तो तू कौन है? यू आर प्रिविलेज, यू आर यूजिंग नेटसर्व प्रोडक्ट। अभी करना क्या है सिर्फ तुझे, ये जो प्रोडक्ट है तू जो यूज कर रहा है, और ऐसे कितने लोग रहेंगे तेरे पास जो यूज कर सकते हैं? तो चार पांच लोग रहेंगे, वेरी गुड। तो ये चार पांच लोगों को अगर तू बोलता है नेटसर्फ के प्रोडक्ट लेने के लिए, तो तुझे सिर्फ बोलना है, बेचने का काम कौन करने वाला है? मैं डायरेक्ट सेलर हूं, जाके मैं बेच के आऊंगा, तू कुछ नहीं करेगा, तू खाली रेफरेंस दे मुझे। तुझे बेचना है क्या? नहीं। देखो, ये कंज्यूमर को बहुत लोगों को बेचना अच्छा, वो मुझे नहीं अच्छा लगता, वो दस तक नहीं नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे यू नो दे आर वेरी क्लोज टू मी। पैसा मांगना मुझे अच्छा मत मांग, पैसा हम मांगेंगे, मैं जाता हूं, हम मांगेंगे, हम जा सकते हैं क्या? हमें प्रोडक्ट बेचने में वेरी गुड। वो कस्टमर का लिस्ट निकालने के लिए पहले हम लोगों को क्या क्या बोलते थे, ऐसा वैसा। अभी क्या बोल रहे हैं? कस्टमर को बोल रहे हैं चार रेफरेंसेस थे। इसमें देख, कंपनी का लॉयल्टी प्रोग्राम है, बाकी कंपनियों का लॉयल्टी प्रोग्राम में और हम हमारे लॉयल्टी प्रोग्राम में बहुत ज्यादा फर्क है। बाकी कंपनियों का लॉयल्टी प्रोग्राम क्या बोलता है? तू जितना खरीदेगा उतने पॉइंट्स तुझे मिलेंगे। क्रेडिट कार्ड का रहते हैं लॉयल्टी प्रोग्राम, तू जितना क्रेडिट कार्ड पे स्पेंड करेगा उतना पॉइंट मिलेगा। हम ये बोली नहीं रहते, तू मत खरीद, खाली मुझे चार लोगों को बोल दे, एक को बोल दे, वो जितना खरीदेगा ना उतना तुझे पॉइंट मिलेगा। अभी तुझे पैसा खर्चा करना है क्या? तुझे क्या करना है? सिर्फ बोलना है। तो वो कंज्यूमर बोला, ओके वेरी गुड, मेरे दो कंज्यूमर है, उसको मैं बोलता हूं, जैसे मैंने एग्जांपल देते हैं, मैंने नेचुरा मोर यूज किया, बहुत अच्छा लगा, जबरदस्त प्रोडक्ट है, रिजल्ट भी बहुत अच्छा है, जो अपने प्रोडक्ट के आते ही है। तो मैं जानता हूं ये दो लोग, उनको भी नेचुरा मोर लगेगा, लेकिन मेरे हिसाब से उनको डिस्ट्रेस भी लग सकता है, थोड़ी नींद की तकलीफ है इसको, तो इसको डिस्ट्रेस भी दे देना। और दूसरा जो कंज्यूमर है उसको थोड़ा हार्ट का प्रॉब्लम है, न्यूट्री हार्ट भी दे दो, वगैरह वगैरह, दो चार प्रोडक्ट उसने बोल दिया, राइट? यू आर क्लियर? जाके क्या बेचना है? हम उसके पास गए, कंज्यूमर के पास, सर सपोज सचिन मेरा पहला कंज्यूमर है, सुग्रे साहब का रेफरेंस दिया, सुग्रे साहब के पास गया, सुग्रे साहब
सचिन सर ने भेजा है, आपकी बात हुई रहेगी, तो उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट यूज़ किया है और वो चाहते हैं आप भी यूज़ करो, तो ऐसा ऐसा प्रोडक्ट है, ऐसे ऐसे उसके बेनिफिट है, तो क्या आप लेना चाहोगे? हाँ चलो लेके देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं, वेरी गुड। तो हो गया सर, हमारा डिस्काउंट ऑफर भी चल रहा है, इसके माध्यम से आपको इतना डिस्काउंट मिल सकता है, वेरी गुड। और बिकॉज आपने, सचिन सर ने आपको रिकमेंड किया है, हम ये डिस्काउंट आपको देने ही वाले हैं। अभी उसको क्या पता ना क्या डिस्काउंट है, हाँ तो बोल दो ना। हाँ थोड़ा है, सचिन सर ने बोला है डिस्काउंट देने के लिए, तो मैं आपको स्पेशल डिस्काउंट देने वाला हूँ, इतना बोल सकते हैं? हाँ परफेक्ट बोल सकते हैं। तो मैंने बेच दिया इनको, अभी क्या हुआ, ये सी टू आ गया, ये सी वन है, सी वन ने सी टू को इंट्रोड्यूस किया है, राइट। अभी सी टू ने एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, एक 5,000 रुपए के प्रोडक्ट ले लिए, राइट। अभी मैंने पिछले तीन महीने हो गए आपने कंज्यूमर, तो 3 महीने में हमारे पास 30,000 कंज्यूमर आए, कितने आए? 30,000 कंज्यूमर्स, और ये 30,000 कंज्यूमर्स का एवरेज बिलिंग वैल्यू इज 9,850 रुपीज, मतलब लगभग 10,000 रुपए। मैं कितना बोल रहा हूं? 5,000 का प्रोडक्ट दिया, ये 5,000 आफ्टर जीएसटी है, एज्यूम कर लो नेट वैल्यू 5,000, ओके। तो ये 5,000 के ऊपर डायरेक्ट सेलर को क्या मिला? 10% मिला, ई टेलर भी कर सकता है, तो ये डायरेक्ट सेलर हो सकता है या ई टेलर भी हो सकता है, ई टेलर भी कर सकता है, तो ये इटेलर या डायरेक्ट सेलर जो भी है उसको क्या मिला? 10% मिला। और ये कस्टमर को क्या मिला? ये जो 5,000 है उसके 5% पॉइंट्स मिले, 5,000 के 5% का मतलब कितना हो गया? 250 पॉइंट्स इसके अकाउंट में जमा हो गए, ओके। अभी ये पॉइंट्स वन टाइम ही जमा होंगे, फर्स्ट परचेस पे ही जमा होंगे, ओके। क्यों मैं बोलता हूं ये भी आप समझ लो, पहली बार जो परचेस करेगा, क्योंकि अपने को आदत है सर वो बार बार खरीदे तो बार बार पॉइंट आएगा क्या? नेटवर्किंग नहीं, इसको नेटवर्किंग नहीं करना है, ये रेफरल प्रोग्राम है, तो रेफरल दिया, कस्टमर दिया, 5% पॉइंट जमा हो गए, राइट। अभी हमने क्या किया है, नेटसर्व ने क्या किया है, हमने 4 लोगों से टाइप कर दिया है, 4 ब्रांड से टाइप किया है। सबसे पहला ब्रांड Amazon Pay, पता है सबको, वेरी गुड। तो ये जो पॉइंट्स है ये आप रिडीम कर पाओगे और आपके Amazon Pay में उतना अमाउंट ही आ जाएगा। अभी उससे लाइट बिल भरो, गैस का बिल भरो, Amazon Pay से ये सब भर सकते कि नहीं भर सकते, समझ में आ रहा है क्या? हाँ। दूसरा हमने टाइप किया है स्विगी से, तो ये पॉइंट्स यू कैन रिडीम फॉर स्विगी। तीसरा हमने टाइप किया है मेक माई ट्रिप से, तो दिस पॉइंट्स कैन बी रिडीम फॉर ट्रैवल, जमा करते रहो साल भर पॉइंट और फिर हाँ जाओ विमान, वन नाइट टू डे, जो बोलना है वो बोलो यार, समझ में आ रही है। तो ऐसे हमने अलग अलग ब्रांड के साथ ऑलरेडी टाइप कर दिया है। अभी ये वर्क कैसे होगा, तो ये कंज्यूमर का एक मोबाइल ऐप आएगा, ओके। ये ऐप के माध्यम से उसको बोलना है, अभी ऐप नहीं है तो क्या कर सकता है, अपना पुराना सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय, याद है? Yes. कस्टमर ऐड करते हो तो भी इंट्रोड्यूस बाय आएगा, तो उस कंज्यूमर का रेफरेंस नंबर डाल देना अगर ऐप नहीं है तो, अरे हाँ समझ में आ रहा है क्या? तो इसको ये पॉइंट्स मिलते जाएंगे और पॉइंट के माध्यम से वो इनकैश कर सकता है। दूसरी चीज, ये कस्टमर को खुद को क्या मिलेगा, प्रोडक्ट तो मिल गए, राइट, प्रोडक्ट मिल गए। अभी ये जितना परचेस करेगा, 5,000 का परचेस किया तो इसके पास एक डिजिटल वॉलेट रहेगा, क्या रहेगा?
डिजिटल वॉलेट, तो उसके डिजिटल वॉलेट में इसका 10% मतलब कितना 500 रुपए ऐड हो गया। 500 रुपए क्या हो गया? ऐड हो गया। अभी ये 500 रुपए वो कब यूज कर सकता है? नेक्स्ट परचेज के लिए। ये जो 500 रुपए है इसकी वैलिडिटी रहेगी 90 डेज, और ये जो पॉइंट्स है इसकी वैलिडिटी है 1 साल। अभी वाउचर आ गया मेरे पास, डिजिटल वॉलेट में आ गया। नेक्स्ट टाइम आपको क्या करना है डायरेक्ट सेलर, एज ए डायरेक्ट सेलर, सर वो आपके पास 500 रुपए का वाउचर है, 90 दिन में एक्सपायर हो रहा है, जल्दी जल्दी आप रिपर्चेस कर दो, यूज करो नहीं तो वेस्ट जाएगा। कर सकते या नहीं कर सकते? Yes. अभी ये उसको वाउचर अगर इनकैश करना है तो ये वाउचर इनकैश करने के लिए ये वाउचर का अमाउंट इनकैश करने के लिए उसको क्या करना पड़ता है? मिनिमम वापस 5000 रुपए का परचेस करना पड़ेगा, तो 500 रुपए होगा। सो 10% ऑफ डिजिटल वॉलेट कैन बी रिडीम एट अ टाइम। मतलब क्या, मिलते वक्त कितना मिल रहा है? 10%। रिडीम होते वक्त भी कितना हो रहा है? 10%। मतलब क्या, सपोज उसके पास 500 रुपए वॉलेट में है, राइट, अभी उसने वापस 2000 का परचेसिंग किया एग्जांपल, तो कितना ये वॉलेट में से आ सकता है? 200 रुपए। तो जो भी उसका डिस्काउंट है वो डिस्काउंट माइनस करके, सपोज ये डिस्काउंट माइनस करके आई हुई वैल्यू है ऐसा अज्यूम करते हैं, आफ्टर डिस्काउंट 2000 रुपए है, 200 माइनस हुआ कितना दिया उसने फिर? 1800। क्लियर? अभी 1800 रुपए दिया 10%, 180 ऐड हो गए। समझ में आया? तो आप उसको बार बार लगातार रीपर्चेस करने के लिए एक बहाना मिल गया आपको। Yes. समझ में आ रहा है? So, ये सिस्टम हम लोग, सिस्टम समझ रहे हो? सिस्टम समझ गया? स्लाइड। ये सिस्टम नेटसर्फ प्रिविलेज कंज्यूमर, ये सिस्टम हम लोग लॉन्च एज अ लॉन्च करेंगे क्लब नेटसर्फ में। ओके? अभी क्या होगा, अप्रैल में यूज कर सकते हो मैन्युअली, इंट्रोड्यूस बाय डाल के। समझ में आ रहा है? लेकिन मोबाइल ऐप जब डाउनलोड करेगा तो पॉइंट्स एंड ये दिखना शुरू हो जाएगा। क्लियर? अभी अप्रैल का जो सेल है वो गिना जाएगा क्या? 100% गिना जाएगा, लेकिन दिखेगा कब? 5 मई के बाद। क्लियर? तो ये लॉन्च कर लेंगे हम ONG में, राइट? लेकिन अभी आप MCM हो तो आपको बता रहे हैं इस टाइप का सिस्टम आ रहा है। तब तक हमारे टाइप जो है और टाइप भी हो जाएंगे, ऑल फुल प्रूफ टाइप होंगे, फिर हम ब्रांड नेम के साथ आपको बता सकते हैं। क्लियर? तो एक बार वापस देख लेते हैं। देखो ब्रांड बाकी के जो है वो बोलते हैं कस्टमर को तू और स्पेंड कर, हम क्या बोलते हैं तू अर्न कर। अर्न कैसे कर सकता है? बाय रेफरिंग। तू स्पेंड मत कर, तू रेफर कर, अर्न कर। हम क्या बोल रहे हैं, एवरी परचेस मेड बाय कंज्यूमर इज एन एडिशनल हाउस होल्ड एक्सपेंस। जो जो वो परचेस कर रहा है दूसरे को बोल रहा है, ये क्या हो रहा है, बाकी अभी तक जो जो कंज्यूमर स्पेंड करता था परचेस करता था वो उसके घर के खर्चे में ऐड होता था, लेकिन नेटसर्फ का परचेस क्या होगा, उसके खर्चा कम करने वाला परचेस है ये। बाकी सो ये नेटसर्फ प्रिविलेज कंज्यूमर में क्या होगा कि एक न्यू एज कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम हम कर रहे हैं, जिसके माध्यम से जो 5वें दिन 5th day of every month एवरेज कंज्यूमर चार्ज होता है और फिर डिस्चार्ज होता है बाय
way of paying various bills and renewals like rent, mobile, electricity bill, TTH, LPG gas, OTT renewal, birthday gifts, petrol. हम क्या बोल रहे हैं, लोगों को रेफर कर और ये खर्चे नेटसर्फ के माध्यम से कर. मनी सेव इज मनी, उसको पैसा कमाने में इंटरेस्ट नहीं है, उसको पैसा बचाने में इंटरेस्ट है. मेंटेलिटी है, मानसिकता है. क्लियर? सो एक इनोवेटिव लॉयल्टी प्रोग्राम विच विल हेल्प यू टू अर्न पॉइंट्स एंड रिडीम फॉर योर हाउस होल्ड बिल्स. तो हम क्या बोल रहे हैं उसको, तेरे हाउस होल्ड एक्सपेंसेस कैलकुलेट कर. तो ये मोबाइल ऐप भी कैसे आएगा, कंज्यूमर जब डाउनलोड करेगा उसको दिखाई देगा, तो उसको ये ऐप पूछेगा तेरे हाउस होल्ड एक्सपेंसेस कौन से है बता. तो बोलेगा इलेक्ट्रिसिटी बिल महीने का 500 रुपये का आता है, PTH रिचार्ज 300 रुपये का करता हूँ, मोबाइल रिचार्ज 400 रुपये का करता हूँ. राइट? यस. भर दिया उसने, अभी ऐप उसको बताएगा देख अगर ये तीन एक्सपेंस में से एक एक्सपेंस तुझे कम करना है ना, तो तुझे इतने रुपए का रिकमेंडेशन करना है. तू इतने रुपए का रिकमेंडेशन करता है, ये पॉइंट जमा हो जाएंगे विच यू कैन यूज. समझ में आया? सो हमारा ऐप विल बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला ऐप रहेगा, AI बेस्ड ऐप रहेगा, जो कैलकुलेट करके बताएगा कितना रिकमेंड करना है. तो आपको क्या बोलना है, खाली ऐप डाउनलोड कर, भर तेरा और क्या बता रहा है देख. हाँ, तो ये जरूरी नहीं कि एक से कर, इतना रेकमेंड करना है ना. सपोज तू खेती वाला है, वेरी गुड, क्या कर सकता है, 10 टिमरीज रेकमेंड कर. अभी 10 टिमरीज तू 10 फार्मर को रेकमेंड कर, या 2 फार्मर को रेकमेंड कर, या 1 ही फार्मर को रेकमेंड कर, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्लियर? तो तेरा ये खर्चा निकल जाएगा. समझ में आ रहा है, क्लैरिटी आ रही है? तो ये एक इनोवेटिव लॉयल्टी प्रोग्राम हम लोग लॉन्च कर रहे हैं नेटसर्फ प्रिविलेज कस्टमर के नाम से, जिसके माध्यम से आपके कंज्यूमर का एक अच्छा नेटवर्क बना सकते हो. आपके पास कुछ प्रिविलेज कस्टमर रहेंगे और कुछ रेगुलर कस्टमर रहेंगे. प्रिविलेज कस्टमर यानी कौन, जो रेकमेंड कर रहा है. अभी ये मत करना कि जो रेकमेंड करना है उसको रिटेलर बना देते, जो पैसा ही मिलेगा ना. तो ही इज नॉट इंटरेस्टेड. क्यों? क्योंकि उसको वो अच्छा नहीं लगता बेचना. हमें लगता है सबको बेचना अच्छा लगता है, क्योंकि हमको अच्छा लगता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये बेचना सच में अच्छा नहीं लगता. बट दे कैन ऑलवेज रिकमेंड, उनको बड़प्पन लगता है, वो अच्छा लगता है. हाँ, ले ले ले, दो बड़प्पन. हाँ, दैट इज एब्सोल्यूट राइट, कि इनको इसमें दिखता नहीं है कि इसको कुछ मिल रहा है. क्लियर? समझ में आ रहा है? क्लैरिटी आ रही है? तो ये नेटसर्फ प्रिविलेज कंज्यूमर, ये हम प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें उसको रिपीट परचेस होगा, न्यू कस्टमर डेटाबेस भी हमें आएगा, और इसके माध्यम से कस्टमर रिटेंशन भी होगा. तो क्या हमारा सेकेंड प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया? तो आज दोनों प्रॉब्लम के सोल्यूशन हमें मिल गए. पहला रिटेल, न्यू डायरेक्ट सेलर कैसे अंदर आना है रिटेल के माध्यम से. दूसरा, कंज्यूमर कंज्यूमर की लिस्ट कैसे जनरेट करके देगा. अरे समझ में आ रहा है क्या? यस. क्लैरिटी आ रही है क्या? सो इस रिटेल के माध्यम से, जैसे मैंने बताया, दोनों इन्फॉर्म मेन होंगे. एक नेट्स ऑफ प्रोडक्ट परचेस बढ़ेगा, दूसरा रेफरल भी बढ़ेगा. क्लियर? यस. तो जितने भी आपके मन में किंतु परंतु थे, उसमें से कुछ किंतु परंतु रिजॉल्व हो गए. yes. अरे हुए कि नहीं हुए? yes. चलो, तो अभी यहां पे एक हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं. ये हमारा लंच ब्रेक होगा. अभी बजे हैं 1:45. सो कितना, आधा घंटा? 2:30. चलो
2:30 बजे हम वापस मिलते हैं अगले प्रेजेंटेशन के।